खबर बलिया जनपद से, जहां बलिया में कासगंज की घटना पर बोले बलिया के बैरिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि कच्ची शराब के कारोबार में पुलिस संलिप्त है, पुलिस के इशारे पर ही हो रहा है कच्ची शराब का कारोबार। विधायक ने कहा कि मुलायम सरकार में भर्ती पुलिस के जवान इसमें संलिप्त और बीजेपी सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे गलत काम। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबार की दर्ज में झेल रहा हूं और पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद रेवती थाना के बगल में अवैध कच्ची शराब का कारोबार चल रहा है। बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पुलिस ने एनकाउंटर में शराब माफिया के भाई को मार गिराया। क्या आपको लगता है कि कासगंज में अवैध शराब की फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही थी? देखिए पत्रकार जी, हकीकत यह है कि पुलिस के संरक्षण में जो भी ये सब घटनाएं हुई, शराब का कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। लोभी स्वभाव है और मैं दुख के साथ कह सकता हूँ, दूसरे की आप बात करते हैं, मैं तो बलिया के रेवती का भाखर का स्वयं कह रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसा पुलिस का अधिकारी नहीं है ऊपर से नीचे तक जिसको मैं लिखित नहीं दिया। ठीक है, सम्मानित कप्तान महोदय से भी कह चुका हूँ, सम्मानित अपने डीजीपी महोदय से भी कह चुका हूँ, प्रमुख सचिव गृह से भी कह चुका हूँ, पूज्य जो भी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं उनसे भी मैं बता चुका हूँ, लिखित भी दे चुका हूँ। उसके बाद भी चार साल, पौने चार साल मेरे विधायकी जीवन के बीत गए, लेकिन रेवती थाने का थानेदार बिल्कुल संरक्षण दे करके और कम से कम सैकड़ों भट्टियाँ रेवती थाने में, थाने कच्ची शराब की भट्टी चल रही है थाने के ठीक पीछे 100 मीटर की दूरी पर। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बलिया में मैं कर रहा हूँ। अच्छा, बलिया में रेवती में, बलिया के रेवती थाने के ठीक बगल में 100 मीटर की दूरी पर। और ये किसके संरक्षण में होता है? थानेदार का। अच्छा, थाना अध्यक्ष और ऐसे रेवती के संरक्षण में खुलियाम सारा जो है शराब का धंधा वहाँ चल रहा है। भाखर में तो आप जाएंगे तो चौराहे पर लेकर के बेचते हैं सब अपने सम्मानित हमारे, जबकि अभी नवागत हमारे कप्तान महोदय हैं, इनको मैं बोला भी, मैं कहा भी किस तरह की गतिविधि वहाँ सक्रिय है, आप इस पर नियंत्रण करिए। अब पता नहीं किस रूप से नियंत्रण करेंगे, कब नहीं करेंगे, मैं हो गया महीना दिन बता। लेकिन कासगंज की जो घटना थी उसमें कुछ पुलिस वाले, एक दरोगा और कुछ और सिपाही जो है वो छापा मारने वहाँ पर गए थे और इसके बाद उन्होंने मारपीट की पुलिस वालों के साथ, भाला तक घोंप दिया जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। तो क्या आपको लगता है कि जो अवैध भट्टी चल रही थी शराब की वो वाकई पुलिस वालों के ही संरक्षण में चल रही थी? देखिए मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, हम दूसरे की बात करते हैं, मैं तो अब स्वयं पीड़ित हूँ। दया छपरा श्री अनिल तिवारी जो इस समय वर्तमान दुभण का एसओ हमारा है, मैं उसको हृदय से धन्यवाद दूंगा। वर्तमान एसओ दुभण को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने थोड़ा दम करके, प्रयास करके अपने धर्म का निर्वहन किया और दया छपरा में शराब बंद हो गया। और वर्तमान हमारा थाना अध्यक्ष भी वहाँ दया छपरा में इस समय शराब बंद हो चुका है। ये तो जानते हैं दया छपरा तो एकदम बिल्कुल था, लेकिन वहाँ तो बंद हो चुका है। लेकिन मुझे दुख है कि श्रेष्ठ अधिकारियों से कहने के बाद भी अभी रेवती के भाखर और खास थाने के बगल में 100 मीटर की दूरी पर भी अवैध शराब का धंधा बंद नहीं हो पाया। तो क्या जिस तरीके से